हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक में जैसे आपका यूनिट टेस्ट है, तो अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसकी हमने चार एक्सरसाइज की थी, उसका हम रिवीजन करेंगे और उसकी हर एक्सरसाइज का एक सम देखेंगे जिस पे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट में। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज का सम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में किसी रेशनल नंबर को निकालना हो तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, -2 + 5 / 2 = 3/2। ठीक है, सो -2 / 3/2 = 5। 3/2 एक रेशनल नंबर आ गया जो इनके बीच में। अब यहाँ पे बोला है कि थ्री रेशनल नंबर्स निकालना है -2 और 5 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे। अब इन दोनों के बीच में निकालना होगा तो कैसे, फिर भाई हम -2 + 3/2 / 2 करेंगे -4 + 3/2। -1/2 × 1/2 = -1/4। सो -1/4 एक और नंबर आ गया, जो एक और रेशनल नंबर निकालना है वो हम निकाल लेंगे 3/2 और 5 के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, 3/2 + 5/2 = एलसीएम लिया 3 + 10/2 / 2 = 13/4 / 10 + 3 = 30/2 / 2 / 13/4। सो 13/4, सो थ्री रेशनल नंबर्स जो हमने निकाले हैं -2 और 5 के बीच में, 3/2 - 1/4 / 13/4। सो इसी तरीके से किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई नंबर निकालना हो उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। अब हम एक सेकेंड एक्सरसाइज का सम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं, वह एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल। सेकेंड एक्सरसाइज में यही सारे सम है और हमने देखा था कैसे इसको एक्सप्रेस करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2/11 करेंगे, 2/11 है ना। सबसे पहले तो आएगा 0 आएगा, ठीक है, फिर 20 करा तो 11 बन जा -11, फिर 9, फिर 90, 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया तो 0, फिर 11 बन जा -11 9, फिर 11 8 जा 88। तो हम देखेंगे कि 1818 बार बार रिपीट होता रहेगा। सो 2/11 = 0.1818 एंड सो ऑन, या फिर 0.18 बार। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया हो
इस डिवीजन करके, डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका ये डेसिमल निकाल लेते हैं। तो ये सेकंड एक्सरसाइज का सम था। अब जो थर्ड एक्सरसाइज का एक सम है हम वो देखते हैं। पहले हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में किया, अब हम डेसिमल को रेशनल नंबर में करेंगे। तो डेसिमल है 0.3 बार इज इक्वल टू 0.3333। इसको हमें फ्रैक्शन में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार। 0.3 बार को हमने एक्स माना, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, एक्स इंटू 10 और 0.3 इंटू 10, तो 3.3 बार। ठीक है, अब ऐसा किया, इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया। सो 10x - x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो ये तो बचा 9x और ये बचा 3.3333 माइनस 0.33। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस साइड का, सिर्फ बचेगा 3। एक्स है 3/9, सो 0.3 बार इज इक्वल टू 3/9। इस तरीके से हम किसी बार बार रिपीटिंग वाले डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक एग्जांपल। फिर हमने देखा था कि किसी फोर्थ एक्सरसाइज में कि किसी लॉन्ग डेसिमल वाले को नंबर लाइन में अगर शो करना हो तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.262, इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमने देखा था कि कैसे बार बार नंबर लाइन को मैग्निफाई करके हम इसको शो कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे हम, ये नंबर 4 और 5 के बीच में, तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे 4 और 5 का और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। अब हमें पता है कि ये नंबर 4.2 और 4.3 के बीच में, यानी कि यहां पे, तो हम इसको मैग्निफाई करके इसको यहां पे ले आएंगे, इस पॉइंट को यहां, इस पॉइंट को यहां। नई नंबर लाइन बनी 4.2 4.3, इसके 10 की है। अब हमें पता है कि क्या है नंबर 4.26, तो यह है 4.26, 4.27। अब ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं, तो फिर हमने इसको मैग्निफाई करके यहां ले आए, इस पॉइंट को यहां ले लिया, इस पॉइंट को यहां ले लिया, अब उसकी नंबर लाइन बना ली। अब क्या है 4.262, तो ये नंबर यहां पे है। तो जो हमारा नंबर था वो हमने फाइंड कर लिया है, वो यहां पे है। इसी तरीके से जो डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत लॉन्ग नंबर हो उनको एक नंबर लाइन पे नहीं पर बार बार अलग अलग नंबर लाइन को मैग्निफाई करके इस तरीके से शो कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमने पहले देखा है। सो स्टूडेंट्स, ये थे बेसिक एग्जाम्पल आपके लिए यूनिट टेस्ट के लिए। अब इसके नीचे एक सैम्पल पेपर रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है।